अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? काफ़ी दफ़ा ना, अभी मुझे कुछ टाइम से काफ़ी बच्चों के मैसेज वगैरह आ रहे हैं फेसबुक पे। मैंने कुछ बच्चों को ऐड किया, ठीक है। उन्होंने मुझसे सलाम दुआ कि सर मैं काफ़ी कुछ ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे फाइनेंशियल हालात सही नहीं है, मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, मेरे डॉक्यूमेंट्स गुम गए हैं, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स के लिए इतने पैसे चाहिए, प्लीज़ आप मेरी मदद कर दें, मैं आपको 1, 2, 3, 4 दिन बाद वापस कर दूँगा। इसी तरह किसी फीमेल के रिप्लाई आया, सर मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं ये हूँ, मेरे फादर नहीं हैं, मेरी मदर नहीं है, मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, पैसे नहीं, मेरी मदद कर दें, आपका बड़ा एहसान होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो काफ़ी इस तरह के मैसेज वगैरह आते हैं। देखो यार, एक बात बड़ी, देखो इमोशनली फूल हर बंदा बनता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम इंसान है ना, इमोशनली हम लोग, हमें इमोशंस हैं यार, इंसान है तो इमोशंस तो हैं ना, वो तो होंगे, गुस्से वाले भी हैं, प्यार वाले भी हैं, किसी पे तरस भी आ जाता है। लेकिन जब तक आंखों से कोई चीज़ खुद देखी नहीं है, हाउ कैन यू बिलीव, हाउ कैन यू इवन यू मेक अ डिसीजन, जब तक आप कुछ देखते नहीं हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता किसी की मदद ना करो, ऑब्वियस अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस चीज की भी मेरे पास, आई मीन जो कुछ भी मेरे पास होता है, मैं जस्ट कि जहाँ जहाँ तक मदद कर सकता हूँ मैं वो मदद करता हूँ, बट मैं कभी किसी को नहीं बताता कि मैंने किसकी मदद की है किसकी नहीं की, ठीक है। क्योंकि मैंने उसकी मदद की है, मेरा मानना है, और अल्लाह ताला ने फरमाया जब आप किसी की मदद करो तो इस तरह मदद करो, एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता ना चले, ठीक है। बट आजकल फेसबुक पे बच्चे इतना, देखो एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, आपने एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ, ठीक है, मुझे पता है फेक अकाउंट होता है, आपने मैसेज कर दिया और लोग बेचारे तर्स खा के पैसे दे भी देते हैं, ये सोच रहे हैं वो हमें वापस दे देंगे, ठीक है। जब वो वापस नहीं देते तो थोड़ी ये बुरा भला कह रहे होते हैं, भाई बेवकूफ़ी तो आपने खुद की ना। अगला कह रहा है कि उसके डॉक्यूमेंट्स गुम गए, अगला कह रहा है ये, तो आपने वाकई एक्चुअल में मिले उससे? आप तो उससे मिले भी नहीं हो, आप तो उसको जानते भी नहीं हो, आपने उसके कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है, आपने उसे पैसे दे दिए, ठीक है, पता है थोड़ा सदका जा रहा, उसने आपको बेवकूफ बनाया और आप लुट गए, आपने जाके पैसे दे दिए उसको जबकि वो डिज़र्व भी नहीं करता था। तो क्या आपने R&D की कि वाकई वो डिज़र्विंग था कि नहीं? उससे बेहतर था कि आप खुद R&D करते, अपनी आंखों से देखते कि कोई बुजुर्ग हैं या कोई बच्ची है या कोई भी है ऐसा बंदा जिसको वाकई वो डिज़र्विंग, जैसे हम सफ़ेद पोश कहते हैं जो मुंह से नहीं मांगते, वो बड़े अनापरस्त लोग होते हैं, आप उसकी मदद करो, अल्लाह ताला वहाँ सवाब देगा, ठीक है। तो मैं बच्चों को ये एजुकेट करता हूँ, यार देखो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब मत करो, वो एक देयर इज अ वेरी थिन लाइन, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जब आप ब्रेक करते हो ना, जो उसे तोड़ते हो, उसके बारे में बहुत छोटी सी लाइन होती है, अब उसे क्रॉस कर लेते हो, अब उसे पार कर लेते हो, ठीक है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मैसेज वगैरह आते हैं काफ़ी, ये मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है, समझाना मेरा फ़र्ज़ है, मैं समझाता हूँ, ठीक है। बट प्लीज़ खुदा रहा, खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए। अगर किसी के पास, बड़ा सिंपल सा मैं सवाल पूछता हूँ बच्चे, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स गुम गए हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप मोबाइल फ़ोन के अंदर अपना फेसबुक का पैकेज करा के, इंटरनेट का पैकेज करा के मुझे मैसेज कर रहे हो, इतने पैसे हैं आपके पास, थोड़ी देर पर सोचिए, जो बंदा आपको मैसेज कर रहा है उसके पास इतने पैसे हैं कि वो फेसबुक पे आपको मैसेज कर रहा है? फेसबुक कैसे चलती है, इंटरनेट कैसे चलती है, इंटरनेट कैसे चलता है, पैकेज होते हैं, सिम पे पैकेज होता है ना, तो भाई इतने पैकेज हैं, इतने पैसे हैं कि आप डिस्प्ले पिक्चर भी लगा रहे हो, फेसबुक अकाउंट भी बना रहे हो, मुझसे कंसिस्टेंट चैट किए जा रहे हो, इंटरनेट चल रहा है ना, पैसे हैं ना, तो किस एंगल से गरीब हो? और मेरी सिंपल सी लॉजिक है, सीइंग इज़ बिलीविंग, ठीक है, ईमान में ले आता हूँ, मेरे अल्लाह ताला ने जो फरमाया, मेरे नबी ने जो फरमाया, उस पर मैं देखता दुखता नहीं, वो जो उन्होंने कह दिया उस पर मेरा अमल पक्का। लेकिन दुनिया की जब मैं बात करूँ, प्रैक्टिकली इस तरह की चीज़ें मैं हमेशा देख के मदद करता हूँ यार। तो प्लीज़ 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 लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, और लोग भी बेवकूफ़ बनना बंद करें यार। मेरी ऑडियंस, हम पाकिस्तानी बहुत मासूम है यार, देखो मासूम भी है और हम बेचारे, हम इनोसेंट हैं, कोई हमें कहते हैं मदद का, हम मदद कर देते हैं, हम सोचते हैं वाकई वो बेचारा मुसीबत में होगा, ये वो इस तरह, पर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है। और मैं आपको कसूरवार से कहता हूँ, वो डिज़र्विंग नहीं होता, उसकी बजाय कोई और डिज़र्विंग होता है, वो उसका राइट ले जाता है, वो जो पैसे किसी डिज़र्विंग को जाने थे, किसी सफ़ेद पोश को जाने थे, वो उसकी जगह पर वो बंदा ले जाता है, वो अपनी याशी में, मोबाइल में, लड़की से बातें करने में, शीशा पीने में, इस तरह की चीज़ों में पैसे स्पेंड कर लेता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से, जिसे कहते हैं इन चीज़ों पर सोचिए, आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो यार। मैसेज फॉर एवरीवन, थैंक यू।